जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर टू रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय सीआर कोठारी का कर रहे हैं। तो ये चैप्टर टू का लास्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पे बोलता है कि टेक्निक इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। जब भी आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना चाहते हो, क्या क्या टेक्निक अवेलेबल है उसको अगर यूज करते हो, तो आप परफेक्टली एक रिसर्च टाइटल को या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट का ऊपर काम कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है, अगर आप कोई भी रिसर्च टाइटल को अच्छे से डिफाइन कर देते तो आपका 50% काम खत्म वहां पे हो जाता है, बाकी सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग लिखना होता है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर देखोगे, ये एग्जाम्पल रखा हूं, जो एग्जाम्पल के ऊपर हम बातचीत करेंगे किस तरह का। अगर ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, जहाँ जिस तरह की यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी इन जापान सो मच हायर दैन इन इंडिया। तो जापान और इंडिया के बीच में प्रोडक्टिविटी किसका हाई है और हायर क्यों है, उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हो, ये जो लिखा हुआ है बहुत जनरलाइज जनरल वर्ड में लिख दिया है। ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर फोकस नहीं किया है। तो अगर स्टेप देखोगे, उस प्रॉब्लम को देखेंगे जापान इंडिया के बीच में किस तरह का प्रोडक्टिविटी क्यों हाई है जापान में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे जब हम लोग एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व रहता है पर्टिकुलरली अगर देखोगे, तो 5 स्टेप इन्वॉल्व रहता है। जो पहला स्टेप है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जनरल वे। तो जब भी आप अब लिख रहे हो, कोई एक रिसर्च टाइटल को लिख रहे हो या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो पहले जनरल वे में आप लिख दो। जैसे कि अभी बताया कि व्हाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ जापान इज हायर देन इंडिया, एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे कुछ बातचीत नहीं हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी मतलब किस एरिया में प्रोडक्टिविटी, किस इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी, उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी क्लैरिफिकेशन नहीं है। किस पर्टिकुलर टाइम के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रहा है जापान और इंडिया का। आप बोलोगे कि 200-500 साल पहले जापान और इंडिया का प्रोडक्टिविटी को ओवर कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पे क्लैरिटी ठीक से नहीं है। तो जब भी आप कभी भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि जनरल वे में आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम को पहले डिफाइन कर लो। एक बार डिफाइन करने के बाद आप जाके क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको अंदर में जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के अंदर जाना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसके ऊपर आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं जो पर्टिकुलर एग्जांपल के मतलब लेके जा रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी क्या है उसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाके सर्वे कर सकते हो जो अवेलेबल लिटरेचर है। ये लिटरेचर कहाँ मिलेगा आपको, लिटरेचर आप जाओगे गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर में जाके सर्च करोगे जिसकी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई कोई रिसर्च लिखा होगा। एक देश इंडिया और जापान के बीच में हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जाके गूगल में सर्च करो, और रिव्यू पेपर कोई लिखा होगा तो मस्त है, वहाँ पे पढ़ के बहुत मतलब बहुत कम समय में आपको पता चल जाता है। लेकिन कोई अगर रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ है तो उसको भी जाके आप क्या कर सकते हो कि पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद आपको एक तो आइडिया आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो कि जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसको आप जाके डिस्कस करो। किसके साथ डिस्कस करो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, लेकिन आप जिस दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हो उसका भी उसी फील्ड के एरिया में उसका नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे आपके साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट होगा। आपका रिसर्च गाइड के साथ बातचीत कर सकते हो, नहीं तो आजकल ChatGPT आया है, ChatGPT के पास जाके जो आपका कन्फ्यूजन आ रहा है उसको आप लिख सकते हो। उस तरह का लिखने के बाद जाके आपको आइडिया आएगा क्या क्या मेरा रिसर्च टाइटल में रह गया है, बच गया है, जो जिसको मुझे ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्टेप, स्टेप 5 में रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को आप फाइनली आप क्या कर सकते हो कि रिफ्रेज कर सकते हो। ठीक है, उस एग्जाम्पल के पास चलते हैं। जैसे कि पहला जो ब्रॉड क्वेश्चन मैं ले लिया, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप इस तरह का टेबल बना के भी अपना जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल प्रॉब्लम मतलब इनिशियली जो आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो कि जनरल वे में लिखते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्रॉड क्वेश्चन को जनरल वे में किस तरह के लिखा है, व्हाई द प्रोडक्टिविटी इन जापान इज मच हायर देन इन इंडिया।
जब इसको आप लिख लेते हो तो उसके बाद क्या क्या एम्बिग्यूस डाउट वाला टर्म है, टेक्निकल टर्म है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एक तो चीज दिया है, तो किस टाइप का प्रोडक्टिविटी है? क्या ये क्वेश्चन में हम लोग को पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। किस टाइप का इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी आपको चूज, एक बार प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रीज के रिलेटेड है। तो इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्टिविटी, किस किस इंडस्ट्री में चेक कर रहे हो जापान और इंडिया के बीच में, और क्या आएगा, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा उसी बीच में आप जाके एनालिसिस करोगे कि इंडिया और जापान का प्रोडक्टिविटी इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिसर्च को कर रहे हैं। तभी जाके आपको थोड़ा सा क्या होगा, ये जो एम्बिगुअस टर्म है उस एम्बिगुअस टर्म में आपको पकड़ के डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, रीथिंकिंग करोगे और डिस्कशन करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलिग के साथ, या अपने रिसर्च गाइड के साथ, या खुद के साथ। ठीक है, इंडिया में अगर देखोगे रिसर्च के बारे में बातचीत बहुत कम करते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो आपको इतना लोग नहीं मिलेंगे जो कि आपका प्रॉब्लम के साथ बातचीत करेंगे। तो ट्राई करो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को यूज करो। अगर कोई दोस्त है तो अच्छा वाला दोस्त, उसके साथ बातचीत करो पढ़ाई में अगर उसका इंटरेस्ट है, नहीं तो खुद को फिर से रीथिंक करना पड़ेगा कि क्या क्या एम्बिगुअस टर्म है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि फोकस करना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री और टाइम पीरियड एक तो एम्बिगुअस टर्म है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर रिसर्च। उसके बाद रीथिंकिंग और डिस्कशन करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि शॉर्ट कर सकते हो, नैरो कर सकते हो अपना जो रिसर्च है। तो यहाँ पे लिखा है, व्हाट फैक्टर्स वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ जापान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1971 टू 1980 रिलेटिव टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो 1971-1980 के बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पे वो दिख रहा है कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो हम, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ जापान इज हायर देन इंडिया, कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या क्लैरिफाइज करता है। जब इस टाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लिखते हो तो यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाता है कि कौन सा टाइम पीरियड में है। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो पूरा डिफाइन कर देता है यहाँ पे। उसके बाद स्पेसिफिक इंडस्ट्री बोल दिया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे क्या है कि जापान और इंडिया के बीच में कंपैरिजन किया है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो बहुत वैरायटी भी रहता है, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ही है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहता है। तो उसको फर्दर ना आप क्या कर सकते हो कि रिफ्रेश कर सकते हो। फर्दर रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या इस तरह का आएगा, टू व्हाट एक्सटेंट डिड लेबर प्रोडक्टिविटी इन 1971 टू 1982 इन जापान एक्सीड दैट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ 15 सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये बोल रहा है कि मैं 15 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ 1971 से लेके 1980 तक, तो वहां पे क्या क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीजमेंट हुआ है और क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है, व्हाट फैक्टर हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिविटी डिफरेंस डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज बाय इंडस्ट्री, क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है। तो ये पर्टिकुलर जब इस तरह का आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहे हो तब आपको पूरा डिटेल में आ जाता है कि नहीं ये क्या करता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बातचीत कर रहा है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बातचीत कर रहा है कि 15 सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर बातचीत कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी डिफरेंशियल के ऊपर वो डिफाइन किया है। उसके बाद क्लैरिफाइंग द ऑपरेशनल बेसिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा अवेलेबिलिटी, ये किकअप होता है जब ये फैक्टर, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद जाके आप फाइनल एक रिसर्च पेपर मतलब प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कर रहे हो तो वहां पे जो टेक्निकल टर्म है उसके ऊपर पहले से ही क्लियरली डिफाइन कर लो। अगर कुछ अजम्पशन ले रहे हो आपका रिसर्च टॉपिक के अंदर, उसको अच्छे से लिखो और उस अजम्पशन के बेसिस में अपना रिसर्च वर्क आप कंटिन्यू कर सकते हो। देन द वैल्यू ऑफ रिसर्च शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आप डिफाइन कर रहे हो टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हो अजम्पशन ले रहे हो, वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम डेफिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हो। द स्कोप एंड टाइम पीरियड ऑफ स्टडी शुड बी क्लियरली आउटलाइन। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि कोई भी अगर मतलब रिसर्च प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करने के लिए ये पर्टिकुलरली पांच स्टेप्स
स्टेप को अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए डिफिकल्टी नहीं रहेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।